हेलो नमस्कार, कैसे हो? वेलकम टू कश्यप पार्ट। आज के इस वीडियो में हम बेड कैसे बनाना है वो सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ आप देख रहे हैं, हमें पहले बेसिक आउटलाइन निकाल देना है, फिर उसके बाद पॉइंट को शार्प करके हमें बेड बनानी है। पॉइंट का जो पेंसिल है उसका पॉइंट एकदम शार्प करना है, फिर इस तरह धीरे धीरे हर जगह पर एज पर रेफरेंस जो कव रहता है, जो हेयर रहता है उसका जो कव है, तो उसके हिसाब से पेंसिल को अप्लाई हमें करना है। अगर कहीं से थोड़ा सा कव है, कहीं स्ट्रेट है, और तो उसके हिसाब से पूरा हर जगह हमें इस तरह धीरे धीरे पेंसिल को अप्लाई करना है। आप पॉइंट को साफ रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप बेड का जो हेयर रहते हैं वो पूरे पतले रहते हैं, तो उसके हिसाब से और उसकी वजह से पॉइंट शार्प होगा तो अच्छा सा स्ट्रोक हम दे सकते हैं। तो धीरे करके पूरा स्ट्रोक देकर हमें बेड बनाना है। ये आप डार्क पेंसिल यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। पहले HP पेंसिल से पूरा जो बेसिक जो स्टॉक रहते हैं वो दे देना है, फिर उसके बाद 10B डार्क ब्लैक पेंसिल रहेगी तो, या फिर अकॉर्डिंग टू रेफरेंस कई थोड़ी लाइट या मीडियम, तो कैसी है बेड तो उसके हिसाब से पूरा हमें वर्क जो स्टॉक है वो देना है। जब पेंसिल स्ट्रोक देते हैं तो नीचे से ऊपर जाना है। अगर ऊपर से आप करोगे तो जो पॉइंट है वो थोड़ा सा मोटा हो जाए, तो उसकी वजह से अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो ऊपर की ओर पेंसिल हमें हल्के हाथों से छोड़ देनी है, और नीचे का जो पार्ट है अगर ब्लैक है तो वहाँ आप पेंसिल को अप्लाई करके या फिर डार्क पेंसिल ज़्यादा स्ट्रोक दे सकते हैं, यहाँ जैसे मैंने दिया है। तो इस तरह पूरा जो बेड है हमें बनाना है। नीचे का जो डार्क पोर्शन रहता है वहाँ पर हमें डार्क ब्लैक पेंसिल से नीचे का पोर्शन दे देना है। इस तरह दे देने के बाद फिर ब्रश से हमें ये पोर्शन पूरा जो बेड का जो पार्ट है वो हमें ब्लेंडिंग कर देना है, और फिर उसके बाद हाईलाइट दे देनी है। आप कॉम्बो मोनोरेजर शार्प यूज करके दे सकते हो। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा है, और अगर आप पूछना चाहते तो कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं पेंसिल कैसे पकड़ना से लेके पूरा प्रोजेक्ट, तो कमेंट में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।